हरियाणा परिवहन विभाग लॉकडाउन में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। कोरोना काल के दौरान हरियाणा में रह रहे प्रवासी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज भी कोरोना को हराने में स्वास्थ्य विभाग की तरह सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। बताया जा रहा है कि अम्बाला डिपो के 16 ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिससे विभाग में ड्राइवरों की कमी हो गई थी, जिसके बाद सिविल सर्जन की अपील पर अम्बाला डिपो के 16 चालकों को एम्बुलेंस पर ड्यूटी देने के लिए भेजा गया। वहीं दमकल विभाग की अपील पर 2 ड्राइवरों को उनके पास ड्यूटी करने के लिए भेजा गया। रोडवेज के जीएम ने बताया कि आगे भी अगर कभी इमरजेंसी आती है तो भी मदद की जाएगी। अभी पीछे ही जो सीएमओ साहब की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी था कि जो उनके जो चालक थे जो एम्बुलेंस में थे, तो कुछ जो बीमार हो गए थे, तो उनके लिए इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए जो है गुजारिश की गई थी, जिसके मद्देनज़र जो है पहले 6 ड्राइवर चालक भेजे गए थे और उसके बाद जो है 10 चालक भेजे गए थे, जिसमें से कि 6 चालक जो हैं अभी फ़िलहाल ही अभी पिछले दिन ही जो हैं वो वापस आ गए हैं। और दमकल विभाग की तरफ से भी आया था कि चालक की उन्होंने डिमांड भेजी थी, तो वहाँ भी क्योंकि हमारी भी बसें जो हैं 50% चल रही हैं, तो यहाँ पर जो भी ड्राइवर जो जहाँ से थे तो वहाँ सेवाएँ दे रहे थे, और आगे भी अगर इन केस कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो जो रोडवेज़ है तो यहाँ से चालक और जो भी सहायता हो सके वो दी जाएगी। अभी वो तैयार हो गई हैं और जैसे ही बातचीत करके जो भी हेडक्वार्टर के आदेशों अनुसार जो भी हैं वो किसको सपूर्द करनी है उसकी भी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। अभी उसकी वेट ही कर रहे हैं, अभी बस ये मैसेज आया कि उनको अभी अब सौंपना है, बस वो एक बार क्लियर कर लें, एक बार प्रशासन में डी साहब से एक बार बात कर लें कि ये जो है किसको हमने करनी है, लेकिन ये सीएमओ साहब को ही जो है सबूत की जाएगी, बस एक बार वहां से जैसे ही निर्णय आ जाएगा तो उसी हिसाब से जो कार्रवाई की जाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।